गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फॉर्जी नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज अपने करने वाले हैं एम्स के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रीजनिंग के अंदर आते हैं। रीजनिंग का एक टॉपिक मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। आपको किस प्रकार से क्वेश्चन टैकल करने हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप इस तरीके से। यानी मैं आपको एक एक मंत्र बताने वाला हूँ, आप इसको सीख लीजिएगा तो आप का सिलेक्शन क्या हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो नर्सिंग सिलेबस है वो तो ऑलरेडी हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन जो मैथ्स और रीजनिंग वगैरह है और जीके है, यही आपका सेक्शन को सिलेक्शन है उसको क्या करता है, श्योर करता है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। फॉर जी नर्सिंग क्लासेस की तरफ से एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। आप अपने जो फर्स्ट है एम्स ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूशन जो है, इसके अंदर अपने क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। इसके लिए मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है उसका नाम मैं बता देता हूँ। इस टॉपिक का नाम है डाइस। क्या नाम है फ्रेंड्स? डाइस, यानी कि पासा। साधारण रूप से आपने पासा देखा होगा, आपने आप लॉकडाउन के टाइम में लूडो ज़रूर खेल रहे होंगे, लूडो किंग। तो उसके अंदर जो होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, पासा। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने लूडो खेला है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको इन क्वेश्चनों को करने के लिए लूडो जो पासा है यानी डाइस है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने मोबाइल के अंदर खेला तो भी अच्छी बात है। अगर आपने सीधा जो अपने हाथ में से लेकर उसको उछालते हैं पासे को तो वो खेला है तो उससे बहुत ही अच्छी बात है। यानी मोबाइल में तो अपने सामने नहीं होता, वो उसी के अंदर होता है, बस एक ही साइड अपने को दिखाई दे रही होती है ना, बस नंबर हर बार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन ये अपने को पता नहीं लगता। लेकिन जो अपना दूसरा होता है जो आमतौर पर घर में होता है, एक पेज के ऊपर यानी कि एक गत्ता होता है उसके ऊपर बना के इस प्रकार से लाते हैं अपने बाज़ार से, उसके अंदर ज़्यादा ये क्या पड़ता है, पता लगता है। अगर वो खेला तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपके पास में पड़ा है तो उसको एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। तो देखिए, ये है डाइस इज़ ए क्यूब। डाइस क्या, एक क्यूब है, एक घनाभ है, ठीक है, घन है। इन क्यूब देयर आर सिक्स फेसेस, यानी कि इसकी छह फलक होती है, 1, 2, एक इसके नीचे 3, एक इधर 4, एक ये रही 5, और एक इसकी अपोजिट साइड कौन सी, बी सी डी एच, यानी इधर वाली साइड तो अपने को दिखाई दे रही है सामने वाली ये, तो लेकिन इसके जो पीछे वाली साइड है ये अपने को दिखाई नहीं दे रही, ये साइड होती है। तो इस प्रकार इसके 6 फलक होते हैं। इन 6 फलकों के ऊपर अपने क्वेश्चन दिए होते हैं और 6 फलकों के ऊपर 6 अंक दिए हो सकते हैं आपको, डॉट दिए हो सकते हैं, या कोई अलग अलग नाम दिए हुए हो सकते हैं, या ए बी सी भी लिखा हुआ हो सकता है। आगे है, इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं 2 टाइप्स आते हैं। एक आता है ओपन डाइस, एक आता है क्लोज डाइस। एक तो आता है क्लोज डाइस, एक आता है ओपन डाइस। तो जो ये डाइस है इधर वाला, ये तो है आपका ओपन डाइस, ये है आपका क्लोज डाइस। तो दोनों के ऊपर अपने क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने आ चुका है, यह क्वेश्चन आपका किसके ऊपर है, ये है आपका क्लोज डाइस। तो इसको डिस्कस करते हैं किस प्रकार से करेंगे अपने। तो देखते जाइए आप आसानी से। बोल रहा है 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर सो बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन द अपोजिट द फेस कंटेन 5 पॉइंट्स। तो आपका 5 है, उसके अपोजिट साइड में कौन सा होगा, ये आपसे विदित करना चाहता है, आपसे पूछना चाहता है। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को देखना है इसके अंदर कौन कौन से, पहले तो ये पता लगाना है कि 5 कहाँ पे है। तो 5 यहाँ अपने को मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 5 देख लिया मैंने। अब क्या करना है, उसके अलावा जो 2 हैं, क्या है 1 और 2, क्या ये मैं चेक करूँगा कि ये दोनों इसके अंदर है या एक इसके अंदर है। मैंने देखा कि इसके अंदर दोनों ही हैं, ये रहा एक और ये रहा दो। तो मेरे पास दोनों ही मिल गए, तो दोनों मिल गए तो इन दोनों को काट देते हैं, क्या कर देते हैं, इन दोनों को काट देते हैं, यानी कि ये तो दोनों के अंदर है, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को काटने के बाद में इनके अंदर जो बच गया वो अपना ही क्या होगा, आंसर होगा। एक सेकेंड, आपको अच्छे से दिखाई नहीं देते, दोबारा कर देते हैं। इन दोनों को मैंने काट दिया, क्या कर दिया फ्रेंड्स, अरे भाई, अच्छा हाँ,
इन दोनों को मैंने काट दिया, तो बचा क्या, इधर पांच बचा, तो दूसरी साइड क्या बचा मेरे पास, चार बचा। तो जो फाइव है उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी फ्रेंड्स, चार होगी। क्या होगी, चार होगी रे। आपका डी नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा, समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन अपने आगे देखते हैं। इसके अंदर डॉट न देकर क्या दिया गया है, सिंबल्स दिए हैं। इसके अंदर क्या है, सिंबल है, यानी कि इसके अंदर सिंबल भी हो सकते हैं। अभी आपके क्या पूछा है कि अपोजिट टू द फेस सिंबल ऑफ स्टार, स्टार के अपोजिट साइड पूछा है, तो आपको क्या करना है, ऐसा देखना है जिसके अंदर स्टार है। तो स्टार तो भैया इन तीनों के अंदर है, इन तीनों में से दो ही अपने को डाइस लेने होते हैं, दो ही डाइस से अपने आंसर निकाल सकते हैं, चारों से नहीं निकालेंगे, है ना। दो ही ऐसे चूज करेंगे अपने, तो या तो ऐसे देखेंगे कि उसके अंदर एक कॉमन हो, या ऐसे देखेंगे उसके अंदर दो कॉमन हो। अगर दो कॉमन हो तो ऐसा वह दो कॉमन नहीं देखेंगे जो अपने को पता लगाना है, जैसे अपने स्टार का अपोजिट पता लगाना है, तो स्टार के अलावा दो दो हैं वो दोनों दोनों में होने चाहिए। तो देखिए इन दोनों के अंदर देखो तो स्टार और एट दी रेट ये दोनों कॉमन है, तो ये तो कट जाएगा फिर, अपने को तो आंसर ही नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे, आगे वाले दोनों में देखते हैं, इन दोनों में भी स्टार है एक तो कॉमन और एक प्लस है, तो ये भी कट जाएंगे, ये भी नहीं होगा। आगे वाले में देखते हैं तो स्टार नहीं है, इनके अंदर डॉलर और प्लस है, डॉलर और प्लस है, डॉलर और प्लस है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, इधर बचेगा स्टार और जो दूसरे साइड बचेगा वो बचेगा आठ। तो जो आठ है वो आपका क्या हो जाएगा, विल बी योर आंसर। समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह, यानी कि ऐसे दो डाइस चुनने हैं जिसके अंदर अपने को पता लगाना है, वो नहीं कटना चाहिए, वो नहीं कटना चाहिए। कौन कौन से कटेंगे, दो साइड वह कटेगी जो आपको दोनों में है, दोनों में है वो कट जाएगी। अगर आप कहेंगे एक एक कॉमन हो तो कैसे करेंगे, वो भी आगे क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आप देखते जाइए लास्ट तक। हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू इन फेस विच कंटेन टू पॉइंट्स। अब इसने पॉइंट दे दिया और दो की अपोजिट पूछा है। अब मैं देखूंगा दो कौन कौन सी में है, पहले में है, तीसरे में है, ठीक है। अब मैं पहले और दूसरे को लेता हूँ तो क्या मेरे को कोई कॉमन मिल रहा है क्या, आप कहेंगे जी हाँ कॉमन मिल रहा है आपको फाइव। हाँ अब मैं आपको बताता हूँ एक कॉमन है तो कैसे करेंगे। अगर दोनों में एक ही कॉमन मिले आपको तो आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे ये देखते हैं। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखना इसको क्वेश्चन को। देखिए इसके अंदर जो कॉमन है उसको पहले लिख दो, कोई भी एक डाइस ले लो, पहले वाला ले लिया मैंने, ये वाला। इसके अंदर पाँच, इसके बाद क्लॉकवाइज चलना है, इस प्रकार गोल बना लो, इस प्रकार चलना है आपको। पाँच के बाद इस प्रकार चलेंगे तो तीन आएगा, इसके बाद, इसके बाद ऊपर क्या है दो लिख दिया। ट्रिक है ये, बहुत सिंपल ट्रिक है। अब दूसरे में देख लो, पाँच के नीचे पाँच लिख दो, यानी ये सेम चीज़ है। अब आगे चलो, इससे आगे क्या है चार, इसके आगे क्या है छः, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब आपको उनमें से कोई भी अपोजिट पूछ लेता, पाँच के पूछ लेता तो क्या हुआ था, जो इसके अंदर नहीं है वह आता, यानी कि दो है इसके अंदर तो पाँच दो बार आ चुका है, तो एक अक्षर कम है ना इसके अंदर, तो कम कौन सा है, एक कम है, तो इस पाँच का अपोजिट एक होता, तीन का अपोजिट चार, चार का अपोजिट तीन, दो का अपोजिट छः और छः का अपोजिट दो। तो इसके अंदर दो का पॉइंट्स का पूछा, तो दो का अपोजिट क्या आएगा फ्रेंड्स, छः आएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर, जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे और देखते हैं, इसके अंदर नाम दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं फ्रेंड्स, नाम दिए गए हैं रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज। तो इसके अंदर क्या पूछा, अपोजिट टू येलो, बस क्वेश्चन यही है, बाकी ऊपर तो ऐसी कहानी लिखी हुई है छोटी सी, तो ठीक है। अपने को क्या पूछना है, देखना क्या है, अपोजिट टू येलो, येलो के अपोजिट देखना है, तो येलो देखो किस किस के अंदर है, येलो के अलावा कौन से दो कलर सेम है। येलो दोनों में सेम नहीं देखना, इसके अलावा है वो सेम देख सकते हैं। इसके अंदर देखो पहले दो देखो, इनके अंदर येलो, येलो ये रहा, और कोई कॉमन है, हाँ ऑरेंज और ब्लू कॉमन है, ऑरेंज और ब्लू सेकंड में भी कॉमन है, तो इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे। बचेगा येलो, इसमें तो बचेगा येलो, और जो दूसरा है उसके अंदर क्या बचेगा, वायोलेट। येलो जी विल बी योर आंसर, आंसर तो सामने पड़ा है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द विल बी योर आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या आ जाएगा, आंसर। अब आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करके देखोगे ना खुद, तो आप आसानी से कर सकते हो। अब आ गया सेकंड टाइप,
क्वेश्चन का सेकंड टाइप जो कि कौन सा है, ओपन डाइस। कौन सा है? ओपन डाइस। वो तो है क्लोज डाइस, ये है ओपन डाइस। इसको किस प्रकार करेंगे? इसके अंदर अगर अपोजिट पूछे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये बताता हूँ, फिर बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसके अंदर पूछेगा इनमें से कौन कौन सा पॉसिबल है। इसके अंदर पूछा गया है कि इस जो ये आकृति अपने को दी गई है, इससे इनमें से कौन कौन सा पॉसिबल हो सकता है, यह चीज़ पूछी गई है। तो कैसे करेंगे? इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। इसके अंदर इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या ज़रूरत है, आप इस क्वेश्चन को छोड़े एक बार, इस क्वेश्चन को करें। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ अ पेपर, यानी कि जो एक्स दिया गई है आकृति, इमेज दी गई है, इसमें से कौन कौन से डाइस पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखिए, आपको इसके लिए क्या पता करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि अपोजिट साइड कौन सी अपोजिट साइड है, किसके अपोजिट है। तो इसका पता कैसे लगाएंगे, इसमें मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, समझाने के लिए किया है, ठीक है। आप देखते जाइए इसके अंदर अपोजिट कैसे पता लगेगा। तो देखिए, ये डाइस है, ये वाला डाइस देखते हैं खुला हुआ। इसके अंदर करना कुछ नहीं होता, एक को छोड़ के जो इसके अंदर जो लंबी साइड दिख रही है आपको, सबसे लंबी आकृति ये दिखाई दे रही है आपको, तो इसके अंदर क्या करोगे, जो एक को छोड़कर एक को मिलाते जाओ, एफ को बी से मिला दो और ई को सी से मिला दिया, बच गए वो आपस में मिला दो, ठीक है। एक बार फिर से देखो कैसे किया। देखो, जो एफ है इसको मिला दो बी से, बीच में एक बच गया। अब ई और सी के बीच में एक बचा हुआ है, तो ई को सी से मिला, वो बच गए वो आपस में होंगे, यानी कि एफ तो बी का अपोजिट है, यानी जो आपका एफ है वो तो बी का अपोजिट है, और जो आपका ई है वो किसका अपोजिट हो जाएगा, सी का अपोजिट हो जाएगा। यानी इसके अंदर जो अंक दिए होंगे, नंबर सॉरी लेटर्स दिए गए हैं, इसलिए आपको जल्दी समझाएगा, इसलिए मैं पहले ये समझा रहा हूँ। ए के अपोजिट क्या आएगा? डी आएगा, समझा रहा है। यानी कि इसके अंदर क्या करना है, एक को छोड़ के एक देख लो। अब जो दो सेम हैं, एफ बी का अपोजिट, ई के सी का अपोजिट, ए डी का अपोजिट, ये दो एक में नहीं आने चाहिए, ये जोड़ा एक एक में नहीं आना चाहिए। अगर जोड़ा एक में आ गया तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब देखो, अब अपने को पता लगे एफ के अपोजिट बी है, ए के अपोजिट सी है, ए के अपोजिट डी है। तो अब देखो, पहले डाइस में क्या है, एफ ई बी क्या दिया गया है, एफ ई बी, एफ ई बी क्या दिया गया है इस डाइस में, एफ ई बी। तो एफ बी तो अपोजिट है एक दूसरे के, अपोजिट है तो वो एक में नहीं आएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखो, दूसरे के अंदर क्या दिया है, ई एफ डी, ई एफ डी, ई इसके अंदर है, एफ इसके अंदर है, डी इसके अंदर है, हो सकता है भाई ये पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद में अगला क्या है, ई सी बी, ई सी तो एक दूसरे के अपोजिट है, ये दे रखा मैंने अभी बताया आपको, ये भी पॉसिबल नहीं है। आगे वाला क्या है, ई डी ए, ई डी ए, डी और ए ए अपोजिट है, डी का डी अपोजिट है ए का, तो ये भी एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकते। तो ओनली दो नंबर डाइस है ना, वो पॉसिबल है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ओनली टू, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, अगला क्वेश्चन करते हैं अपने, यहाँ पे पता लग जाएगा आपको क्लियरली। यहाँ पे देखो, सबसे लंबी आकृति यानी इस पूरी आकृति है, कैसे करेंगे, इस साइड के अपोजिट तो होगी ये साइड, ठीक है, बीच में एक छोड़ दिया मैंने, और इसके अंदर कैसे करेंगे, इसके साइड के अपोजिट होगी ये साइड, समझ में आ रही है। अब जो बच गई वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, यानी कि इसको मान लेते हैं ब्लैक वन, ठीक है, ब्लैक मान लेते हैं, इसको वाइट मान लेते हैं जिसके अंदर कलर नहीं किया हुआ, ब्लैक के अपोजिट है डॉट, सॉरी एक डॉट, डॉट आ गया, ठीक है। अब जो आपका वाइट है उसके अपोजिट क्या है, ब्लैक, और फिर वाइट के अपोजिट वाइट, यानी कि एक के अंदर दोनों वाइट नहीं हो सकते, ठीक है, वाइट और ब्लैक नहीं हो सकते, और ब्लैक और डॉट नहीं हो सकते, ये कह रहा है, यानी एक ब्लैक हो सकता है, दो ब्लैक नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, डॉट और दो वाइट नहीं हो सकता, पहला पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, यानी कि एक ब्लैक होगा उसके साथ, ठीक है। उसके आगे क्या है, दो ब्लैक है एक वाइट, तो दो ब्लैक अपने पास है क्या, हाँ, इसके अंदर भी ब्लैक है, इसके अंदर भी ब्लैक है, ठीक है। एक सेकेंड दोबारा देखो, इसको थोड़ी सी त्रुटि हो चुकी है। देखिए, इन तीनों के अंदर से एक एक आना चाहिए, तीनों के अंदर से एक ऑप्शन आ सकता है, देखो
थोड़ा सा उल्टा हो गया। देखो पहले के अंदर क्या बोल रहा है, दो वाइट साइड है, इस पहले के अंदर दो वाइट साइड है, एक डॉट है, इससे डॉट ले लिया, इससे वाइट ले लिया, इससे वाइट, हाँ पॉसिबल है भाई सब, पहला भी पॉसिबल है। दूसरे के अंदर ब्लैक इससे आ गया, एक एक ब्लैक इससे आ गया और एक डॉट, ये पॉसिबल नहीं है, दूसरा पॉसिबल नहीं है। तीसरे के अंदर क्या है, ब्लैक ले लिया, ब्लैक मान लिया, इससे ले लिया, ये रहा, ये ब्लैक ले लिया, डॉट इससे मान लिया, एक वाइट इससे मान लिया, तो ये भी पॉसिबल है। चौथा क्या है, दो ब्लैक, इसके अंदर से ब्लैक, इसके अंदर से ब्लैक, इसके अंदर से वाइट आ सकता है, तो जो आपका ये भी पॉसिबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर दो पॉसिबल नहीं था, यानी कि आपका एक तीन चार पॉसिबल है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अपने छोड़ के गए थे इसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए। ठीक है, इसको करने के लिए किस प्रकार से करेंगे, देखिए, अपने को लिखना है पहले, क्या लिखना है, जो अपोजिट हैं एक दूसरे के, देखो इसके अपोजिट ये होगा, ठीक है, इसके अपोजिट ये होगा, ठीक है, इसके अपोजिट वो, ठीक है। अब क्या है, बी एंड डब्ल्यू, वाइट एंड ब्लैक मान लेते हैं इसको, दोनों हैं इसके अंदर, है ना, इसको कोई और नाम दे देते हैं, जैसे आर नाम दे दिया मैंने इसको, मैंने इसको क्या नाम दिया, आर नाम दे दिया, यानी जो वाइट और ब्लड है इसको मैंने आर दे दिया, यानी जो ये साइड है इसको मैं आर लिख देता हूँ, आर, ठीक है। अब आर के अपोजिट क्या है, वाइट साइड है, फिर वाइट के अपोजिट क्या है, वाइट है, फिर आगे क्या है, डॉट के अपोजिट, यानी डी फॉर डॉट, डॉट के अपोजिट भी क्या है, वाइट है। अब कौन कौन सा पासा पॉसिबल हो सकता है डाइस, देखिए पहले डाइस के अंदर क्या बोलना चाहता है कि एक डॉट आ गया, मान लिया डॉट इससे आ गया, ठीक है, आगे वाइट आ गया, आ गया, और एक वो आ गया, आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉसिबल है, पहला पॉसिबल है, ठीक है, यानी कि ये रहा डॉट, ये रहा डॉट, ये रहा वो दोनों कलर वाला, यानी ये वाला, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, और इससे वाइट आ गया, मान लिया, हाँ पहला पॉसिबल है। दूसरा पॉसिबल है क्या, देखिए ये डॉट वाला आ गया, यानी कि दो कलर वाला आ गया, इससे वाइट आ गया, एक इससे वाइट आ गया, दूसरा भी पॉसिबल है। तीसरा पॉसिबल है क्या, दो वाइट आ गए और एक ये आ गया, हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। आगे वाला क्या कह रहा है, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है, यानी कि एक दो तीन चार, चारों ही इससे क्या है, पॉसिबल, ऑप्शन नंबर सी इज द विल बी योर। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे एक क्वेश्चन और बच जाता है, ये क्वेश्चन आपको करना है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे बड़ी आकृति को अपने देखते हैं सबसे पहले, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा, यानी कि वाइट के अपोजिट वाइट ही है, ठीक है। इसके आगे देखिए ब्लैक के अपोजिट ब्लैक है, ब्लैक के अपोजिट ब्लैक है, और बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, वाइट के अपोजिट ब्लैक। अब कौन कौन सा पासा पॉसिबल है, देखिए मान लिया पहला देखते हैं वाइट, मान लिया इसे वाइट आ गया, ये पहला पासा देखते हैं एक नंबर, तो देखिए पहले में से वाइट मान लेते हैं, इसमें से ब्लैक आ गया, इसमें से ब्लैक आ गया, पहला पॉसिबल है। दूसरा पॉसिबल है क्या, दो ब्लैक, दो ब्लैक, एक वाइट, जी बिल्कुल है, दो वाइट एक ब्लैक, जी बिल्कुल है, कैसे किया, ये देखो यहाँ पे ये ब्लैक आ गया, इससे वाइट आ गया, इससे वाइट आ गया, ये भी मान सकते हैं। आगे फिर ये देखो दो दो ब्लैक एक वाइट, बिल्कुल, यानी कि ये सारी ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, और इसके साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही यह भी बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा लिया जाए जो कि आपके एम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, है ना, ताकि हम आपका स्कोर है वो अच्छी तरह हो जाए, यानी कि एम स्कोप की बार पार करना ही करना है। इसी के साथ थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, जय हिंद जय भारत।